जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 40 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना इन 40 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे कितने सब्सक्राइबर इस बार फौजी बनने वाले हैं। देखो, आप लोगों के लिए जितना भी जीके जीएस का प्रश्न लेकर आता हूँ ना, इसको बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगते हैं और काफी ज्यादा मेहनत लगते हैं, और हम 2-3 लोग मिलकर पूरा का पूरा प्रश्न बनाते हैं। अगले वीडियो में 2 प्रश्न गलत हो गया था। एक था पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाते हैं, तो वो 26 जनवरी 1930 को मनाते हैं। आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1930 को मनाते हैं। ये अगले वीडियो में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बोलने में मैं मिस्टेक कर दिया था, तो बहुत सारे लोग मतलब कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे। आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। और एक और प्रश्न था, वो था शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वो मैं कैल्विन बता दिया था, लेकिन शक्ति का मात्रक वाट होता है। देखो, मुझे पता था, लेकिन जैसे जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो कभी कभी मेरा ध्यान इधर उधर रहता है यार, जैसे बोलते रहता हूँ और बोलना रहता है कुछ और बोल देता हूँ कुछ और। तो आप लोग कमेंट करके बताते हो, तो मैं दोबारा आप लोगों का कमेंट देखता हूँ, उसके बाद प्रश्नों को जाकर देखता हूँ, तो बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है यार, मैं तो गलत बता दिया, अपने आप में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। तो आप लोग दोनों प्रश्नों को सही कर लेना, ठीक है ना। और ये प्रश्न आप लोगों को अब कई बार देखने को मिलेंगे, मतलब जो भी प्रश्न गलत होगा ना, वो प्रश्न आप लोगों को कई बार देखने को मिलेंगे, और वो प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के सबसे पहले 20 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न देखेंगे। आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालकर एक छोटा सा कमेंट कर देना मेरे भाई, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे कितने भाई बहन इस बार फौजी बनने वाले हैं। मेरे अंदर मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है यार आप लोग के एक कमेंट से। मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, ताकि मतलब मैं आप लोगों को पहचानता रहूं, मुझे आप लोगों से बात भी करना है। और 15 तारीख को मैं आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि 17 तारीख से पेपर चालू हो जाएगा। तो पूरे भारत में जितना भी यारो लगता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मतलब जितने लोग भी अपने मतलब पेपर देने जाएंगे, जहां भी पेपर देने जाएंगे, तो उसमें से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न वो लोग याद करके आएंगे। जिन लोगों का पेपर 17 तारीख को रहेगा, तो 17 तारीख को अगर मुझे 100 प्रश्न मिल जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा प्रश्न मैं आप लोगों को 17 तारीख को शाम को ही दे दूंगा, मतलब पीडीएफ बनाकर पूरा का पूरा पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, और मतलब पूरा हाल भी जैसे उसका आंसर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जितने लोग का 18 तारीख को पेपर रहेगा, उन लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा, और जो 17 तारीख वाला प्रश्न रहेगा, 18 तारीख वाला प्रश्न रहेगा, वो पूरा का पूरा प्रश्न 19 तारीख वालों को बता दूंगा। तो अभी ऐसा मेरा सोच है, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए, अगर आप लोग साथ दोगे ना, तो अभी कुछ हो पाएगा। मैं 15 तारीख को आप लोगों को अपना नंबर दे दूंगा, बहुत सारे लोग नंबर हमेशा मांगते रहते हैं, तो टेंशन ना लो, अभी तो मैं भी अपना स्टडी करते रहता हूँ, अगर अभी दूंगा तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाऊंगा, 15 तारीख को दे दूंगा, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है, नॉर्वे इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1954, 1853, 1794 और 1894। इसका राइट आंसर 1853 हो जाएगा, 1853 इज राइट आंसर। भारत में पहली बार रेल किस वर्ष शुरू की गई, 1853 में शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी किस कप से संबंधित है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी। इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल इज राइट आंसर। संतोष ट्रॉफी किस कप से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत, लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई। इसका राइट आंसर दुबई हो जाएगा, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में स्थित है, दुबई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हरा, नीला, काला और पीला। इसका राइट आंसर काला हो जाएगा, काला इज राइट आंसर। कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है, काला रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे बादल में जो इंद्रधनुष पड़ता है ना, उसमें काला रंग नहीं पाया जाता है, आज से आप लोग जान जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1950, 1951, 1952 और 1935। इसका राइट आंसर 1935 हो जाएगा, 1935 इज राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1935 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, कथक कहाँ का नृत्य है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो कथक कहाँ
कहां का नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ठोस, द्रव, गैस और जल। इसका राइट आंसर ठोस हो जाएगा, ठोस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मेंडुला में, पोन्स में, सेरिबेलम में और सेरिब्रम में। इसका राइट आंसर सेरिब्रम हो जाएगा, सेरिब्रम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स का कारण है, एड्स का क्या कारण है? आपके सामने चार ऑप्शन है, जीवाणु, विषाणु, कवक और शैवाल है। तो इसका राइट आंसर विषाणु हो जाएगा, विषाणु इज राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एड्स का क्या कारण है? विषाणु है। आप लोग इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? आपके सामने चार ऑप्शन है, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, पुर्तगाल का और ग्रीक का। इसका राइट आंसर पुर्तगाल का हो जाएगा, पुर्तगाल इज राइट आंसर। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, गुरु गोविंद सिंह जी को, गुरु नानक जी को, गुरु अर्जुन जी को और गुरु अंगद देव जी को। इसका राइट आंसर गुरु नानक देव हो जाएगा, गुरु नानक देव इज राइट आंसर। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और नीचे दिया है आपका प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा, प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में कहां स्थापित हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है, कोलकाता, मुंबई, रुड़की और दिल्ली। तो भारत की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में कहां स्थापित हुई? ये रुड़की में हुई, रुड़की इज राइट आंसर। देखो रुड़की में बीजी सेंटर भी पड़ता है, वहां पर हमेशा भर्ती निकाली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? ये तो आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ और अपने हिसाब से ट्रिक लगाकर बताया हूँ। आपके सामने चार ऑप्शन है, शक्ति, शांति वाट, शांति घाट लिखा है, शक्ति घाट और विजय घाट और कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विजय घाट, विजय घाट इज राइट आंसर। इसको पता है आप लोगों को किस तरह से समझना है? यहाँ पर लिखा गया है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर, यहाँ पर जो बहादुर लिखा गया ना, इसी से आप लोगों को पता चल जाएगा। लिखा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? यहाँ जो बहादुर लोग होते हैं वही लोग विजय प्राप्त करते हैं। तो भाई यहाँ से आप लोग बहादुर से जान जाना कि इनके समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, ठीक है ना? तो जहां भी आ जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो उनके समाधि स्थल का विजय घाट नाम है, ठीक है ना? जो लोग बहादुर होते हैं वही लोग विजय प्राप्त करते हैं। तो भाई उस तरह से आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रणथंभौर, और नेक्स्ट दिया है गिरवन, और नेक्स्ट दिया है सिरिसक्का, उसके बाद से फ्लामू दिया है। तो इसका राइट आंसर गिरवन हो जाएगा, गिरवन इज राइट आंसर। भारत में एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? गिरवन में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, चाणक्य, मेगास्थनीज और अल बुरुनी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चाणक्य, चाणक्य इज राइट आंसर। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये चाणक्य ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शन है, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। तो इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम इज राइट आंसर। सिक्किम में कोई रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, मैडम क्यूरी, माइकल फैराडे, हेनरी वेकरल और रोनाल्ड रोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी वेकरल, हेनरी वेकरल इज राइट आंसर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी वेकरल ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न लिखा गया है, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? ये प्रश्न मैं आप लोगों को अगले वीडियो में गलत बता दिया था, तो भाई मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ था, अब आगे से गलत नहीं होगा, ठीक है ना? ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? आपके सामने चार ऑप्शन है, न्यूटन, कैपलर और गैलीलियो और कॉपरनिकस।
तो ग्रहों के गति के नियम कैपलर द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं, कैपलर इज राइट आंसर। और मैं आप लोग को अगले वीडियो में कापरनिकस बता दिया था, तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कापरनिकस है, ठीक है ना। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है, आपके सामने चार ऑप्शन है, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विषाणु हो जाएगा, विषाणु इज राइट आंसर, इन्फ्लुएंजा बीमारी विषाणु के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, ओम, वेबर, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर टेस्ला हो जाएगा, टेस्ला इज राइट आंसर, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन है, टेस्ला है। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ते वायुयान में कौन सी ऊर्जा समाहित होती है, आपके सामने चार ऑप्शन है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों, और लास्ट में दिया है रासायनिक ऊर्जा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों, ठीक है ना। इस प्रश्न को अपने दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे का जनन, पौधे का प्रजनन अंग है, आपके सामने चार ऑप्शन है, फल, बीज और फल, पुष्प और कली, तो पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है, फूल है, पुष्प जिसे बोला जाता है, यहाँ पर फूल लिखा गया है, देखो टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग यहाँ पर फूल लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु और अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या है, तो शुक्राणु और अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, आपके सामने चार ऑप्शन है, 46, 23, 22 और 11, तो इसका राइट आंसर 23 होगा। मैं आप लोगों के फीलिंग को समझ रहा हूँ, आप लोग तुरंत मार दिए होंगे 46 पर, आप लोग सोचे होंगे कि बोल रहा है कि मतलब मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बोला गया है कि शुक्राणु और अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें 23 गो होते हैं, ठीक है ना, आप लोग सर्च मारकर इसको देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है, तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है, आपके सामने चार ऑप्शन है, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल इज राइट आंसर। आप लोग प्रश्न को समझने का कोशिश करना, प्रश्न में बोला जा रहा है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन सा मंडल रोकता है, तो आयन मंडल रोकता है, ठीक है ना। प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, आपके सामने चार ऑप्शन है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनेमो, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर माइक्रोफोन हो जाएगा, माइक्रोफोन इज राइट आंसर, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से संपन्न होता है, आपके सामने चार ऑप्शन है, तांबा, चांदी, लोहा और सोना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर लोहा होगा, लोहा इज राइट आंसर। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल से संपन्न होता है, लोहा से। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियमित होता है, आपके सामने चार ऑप्शन है, स्पाइनल कोड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज राइट आंसर। शरीर का तापक्रम कहाँ नियमित होता है, हाइपोथैलेमस में नियमित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, आपके सामने चार ऑप्शन है, आप लोग बचपन से ही देखते होंगे कि बादल मतलब जैसे वायुमंडल में तैरते हैं, लेकिन किस कारण तैरते हैं ये नहीं पता होगा, तो आज पता चल जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन है, निम्न दाब, निम्न ताप, निम्न घनत्व और निम्न श्यानता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, आपके सामने चार ऑप्शन है, साइटोक्रोम के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्रकाश के कारण और फाइब्रिनोजक के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में किस कारण नाक से खून बहने लगता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने चार ऑप्शन है, उच्च वायुमंडलीय दबाव और नीचे दिया है निम्न वायुमंडलीय दबाव, अत्यधिक सर्दी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न वायुमंडलीय दबाव, निम्न वायुमंडलीय दबाव इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, यह भी बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है, आप लोग कहीं भी प्रैक्टिस सेट लगाकर देख लेना, कहीं ना कहीं ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, आपके सामने चार ऑप्शन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों, और यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, दोनों इज राइट आंसर। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक दोनों है, दोनों इज राइट आंसर। बोला हूँ तो आप लोग हंसना नहीं और ना ही मेरा मजाक उड़ाना, मेरा हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी सब चलता है, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया किसमें संश्लेषित
विकसित होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, यकृत, फेफड़ा, पीलिया और गुर्दा। तो यूरिया किसमें संश्लेषित होता है, ये यकृत में संश्लेषित होता है, यकृत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पेप्सिन, रेनिंग, टाइलिंग और लास्ट में दिया है अल्बुमिन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रेनिन, रेनिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओडोनोटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन होता है। देखो ये थोड़ा अटपटा अटपटा लिख दिया गया है ना, तभी मुझे बोलने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा है। वैसे मेरा जीभ एकदम टूटा हुआ है, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो आसानी से बोल देता हूँ, लेकिन कोई अक्षर आ जाता है जो थोड़ा अटपटा लगता है। आपके सामने चार ऑप्शन से दिया है, अस्थि, दांत और कंकाल और मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर दांत हो जाएगा, दांत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण, अचल कुंडली, धारा मापी, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण इज राइट आंसर। और जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहां उपस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहां उपस्थित होती है, आपके सामने चार ऑप्शन है, जिगर में, आमाशय में और लास्ट में दिया है मस्तिष्क में और फिर दिया है हृदय में। तो इसका राइट आंसर मस्तिष्क में होगा, मस्तिष्क में इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, एस्ट्रोजन, फेमिनोजेन और टेस्टोस्टेरोन और साल्मोनेला। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इज राइट आंसर। अब लास्ट प्रश्न है, किस राशि में केवल परिणाम होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, सदिश राशि में, अदिश राशि में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा अदिश राशि में, अदिश राशि इज राइट आंसर। 40 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, 40 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट करके बता देना। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट सेक्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। देखो कुछ भाई ऐसे हैं जो लोग काफी दिनों से हमारा वीडियो देखते हैं, उनको टेलीग्राम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो लोग सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद से मतलब भूल जाते हैं कि मतलब इसको एक बार दोहराना भी है। लेकिन जिन लोगों को टेलीग्राम के बारे में पता है, वो लोग एक बार यूट्यूब पर भी वीडियो देखते हैं और जब टेलीग्राम चैनल पर पूरा पीडीएफ मिल जाता है तो वो लोग एक बार अपने तरफ से पीडीएफ पढ़ भी लेते हैं, जिससे उन लोगों के दिमाग में पूरा प्रश्न सेट हो जाता है, फिर दोबारा ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं रहता है। तो इस तरह से आप लोगों को भी पढ़ाई करना है मेरे भाई, आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, उसमें 12,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। पूरे भारत में कोई भी भर्ती निकाली जाएगी ना, तो पूरा भर्ती का नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा, और मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस रहेगा वो भी टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा। और आने वाले समय में जो अग्निवीर का पेपर कराया जाने वाला है, जितना भी जीके जीएस मुझे मिलेगा ना, वो भी पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। और देखो यार, अब जैसे हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दिन में दो वीडियो लाने के लिए। एक तो सुबह 7:30 बजे एक वीडियो आएगा, इस टाइम को घटाकर 7 बजे कर दे रहा हूँ, सुबह 7 बजे अब मैं वीडियो लाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और शाम को टाइम में जैसे 3 से 4 बजे के बीच में आप लोगों को 30 गो मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न मिलेगा, और शाम के टाइम में जो जीके जीएस का प्रश्न मिलेगा ना, वो पूरा का पूरा रिपीटेड प्रश्न रहेगा, मतलब शाम के टाइम में बस आप लोग का रिविजन कराऊंगा। देखो मुझसे जितने लोग भी जुड़े रहेंगे ना, भले से ज्यादा लोग जुड़े या ना जुड़े, लेकिन जितने लोग भी जुड़े रहेंगे ना, उन लोगों का तैयारी अच्छा होना चाहिए। मैं जितना भी बता रहा हूँ ना, उतना पूरा का पूरा आना चाहिए, मतलब ज्यादा नहीं आए तभी भी मैं जितना बता रहा हूँ उतना तो आना ही चाहिए। इसलिए मैं जितना भी पिछले मतलब कई वीडियो में आप लोगों को जीके जीएस बता चुका हूँ, वो पूरा का पूरा रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना, रेगुलर रिवीजन कराऊंगा जब तक पेपर नहीं समाप्त हो जाता है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी हमें भी स्टडी करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। इस बार तो भाई जब टेस्ट दे रहा हूँ ना, तो ज्यादा नहीं आ रहा है, 30, 32, 33, 34, 35 ऐसे आ रहा है, देखते हैं लिस्ट में नाम आता है या नहीं आता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अपने तरफ से हार नहीं मानना है, ठीक है ना।